ममिता मेहर निरीह आखि निरीह मुह ममिता जीवन कहीं बंचपारा ना ममिता करी दस टी एमती बड़ भूल जहां जीवन उपरक विपत्ति टाणी आणला तेरे कौन से भूल अटे जहाद्वारा महालिंग सनसाइन स्कूल अध्यक्षा ममिता मेहर जीवन एभली भाव चलीगला। प्रथम भूल परिवार लोकों ठार घटना लुचाइवा ममिता जितेबले जाणिले गोविंद साहू एभली कारनामा करुची स्कूल कॉलेज भितरे सेतेबले ए घटना संपर्क में परिवार लोकों को जाणि पारथांते परिवार रो कोनोसी जणे व्यक्ति को ए घटना विषय रे से अवगत करै पारथांते ममिता चाहिथिले निज बापा मां को निज मनर भय को खोली कहि पारथांते जहाद्वारा से माने किछि उपाय चिंता करि पारथांते गोविंद साहू विरोध रे। ममिता को द्वितीय भूल ममिता 21 सेप्टेम्बर पर पुणी महालिंग फेरिबा 21 सेप्टेम्बर रे गोविंद साहू चाहिथिला ममिता को जीवन में मारिदेवा पाई किंतु ममिता निज सांग मानक सहित थिबारु गोविंद किछि करि पारनथिला किंतु एहा परे गोविंद चाल खेलिथिला तेबे 21 सेप्टेम्बर पर ममिता निजे भी चाहिथिले जे से स्कूल को फेरिबाकु तांकर कोनोसी इच्छा नथिला किंतु तथापि मृत्यु तांकु डाकुथिला एवं एहा थिला ममितांकर द्वितीय बड़ भूल जहा तांकर जीवन नेगला। ममितांकर तृतीय बड़ भूल गोविंद साहू सहित कार रे एकुटिया जिबा 8 तारिख रे गोविंद प्लान करि ममिता को डाकिथिला एवं गोविंद कार रे बसी पड़ीथिले ममिता जहा फळरे एहा तांकर सबुठारु बड़ भूल पालटी जाइथिला संपूर्ण भाव गोविंदर कबल थिले ममिता आउ जहा कि जीवन प्रति विपत्ति को टाणी आनीथिला ममिता चाहिथिले तांक सहित कार रे जिबा पई ए ऑप्शन टी को मना कर पारथांते किंतु बोधवे नियति रे एहा ही हेबार थिला। ममिता को चतुर्थ बड़ भूल विपद रे पुलिस रो सहारा न नेबा बा एफआईआर न करबा ममिता जितेबले जाणिले गोविंद साहू एभली गारनामा करुछि से चाहिथिले पुलिस रो सहारा नै पारथांते निज परिवार सहित मिसी गोविंद विरोध रे एफआईआर भी दै पारथांते किंबा तांको ग्रामर मुखिया लोक एमानंकु धरि किछि गोटिए कार्य करि पारथांते जहा गोविंद साहू विपक्ष रे जाइथांता एक जनमत सृष्टि होइ पारथांता एवं पुलिस निश्चित भाबे सहाय्य करि पारथांता ममितांकु ए घटना रे। पंचम बड़ भूल ममितांकर गणमाध्यम रो सहारा न नेबा एवं ममितांकर जहा सबुठू बड़ भूल पलटिगला जदि ममिता चाहिथांते से गोविंद साहू को गोटे बड़ शिक्षा दे पारिथांते ममितांक पाखरे जेउ बी प्रमाण थिला ताहाकु गणमाध्यम रे देई एहाकु वायरल करि पारिथांते। ममिता मेहर चाहिथिले गोविंद विरोध रे स्टिंग ऑपरेशन करि पारिथांते गणमाध्यम सहित मिसी ताकु एक्सपोज भी करि पारिथांते किंतु ममिता ए कथा चिंता करि पारले नाही बोधवे एहा ही थिला तांकर पंचम बड़ भूल। ममितांकर षष्ठ बड़ भूल गोविंद को खोलाखोली धमक देवा ममिता गोविंद को ताकु बर्बाद करदेवे एवं तार चिराचरित को समस्त आगे एक्सपोज करदेवे बोली धमक देते जहाँ पुलिस ममिता जा सारी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विषय जहाँ को नहीं डरी जाता गोविंद साहू आ बोधे से ही धमक जहाँ फल गोविंद ममिता को जीवन रास्तु हटे देते। ममिता सप्तम बड़ भूल गाड़ी रे जुक्ति तर्क करिबा ममिता जितेबले जाणिले गोविंद तांकु शपथ करौछि तांकु ठाकुरानी को पाखरे नै राण पकेबा पई कहौछि सेतबेले से तांको सहित जुक्ति तर्क करिवार नथला आउ से समय रे गोविंदक सब कथा रे राजी हे जिवार थला बोधवे सेही समय रे जदि से राजी होई जाय थांते तेबे परवर्ती समय रे किछि गोटिए प्लान करी निज जीवन को बंचेई परि थांते आउ सेही मुहूर्त रे गोविंद रागी जाय ममिताक जीवन को सब दिन पई लिभै दैथला। ममितांकर अष्टम बड़ भूल माणिकेश्वरी मंदिर रे जेतेबेले गोविंद साहू तांकु राण नियम पई नेकि जाइथिला सेही समय रे ममिता चाहिथिले चित्कार करी गोविंद विरोध रे समस्तंकु डाकी परिथांते समस्तंकु डाकी सेठारे गोटिए सीन क्रिएट करि परिथांते एवं निज जीवन को बंचै परिथांते किंबा मंदिर रु दौड़ी चली जाइबि परिथांते जदि एभली किछि करिथांते ममिता तेबे बोधवे ममितांक जीवन बंचि परिथांता ममिता जदि मंदिर रे चित्कार करिथांते निश्चित भाबे तांक चित्कार सुनि अनेक लोक सेठारे एकाठी भी होइ परिथांते एवं गोविंदों विरोध में किसी गोटे कार्यानुष्ठान भी नहीं पारिथांते अंत तो पुलिस को भी डाकि पारिथांते। ममिता नवम सबुठ बड़ भूल गोविंदर गुमर एवं दोषी नाम डायरी रे न लिखा नहीं वीडियो न करवा बर्तमान पर्यंत ममिता पेन ड्राइव मिल पारिना ममिता पेन ड्राइव रे दोषी विरोध में कौन प्रमाण रही पुलिस किसी सूचना देना किंतु जहाँ अनुमान करी कुहा जाई पारे जदि गोविंद गुमर कौन एक डायरी रे ममिता लिखि थांते से सब व्यक्ति सहित जो मैंने गोविंद सहित मिसी करी थिले से समस्त दीदी ना जी कि गोविंद सहित दुष्कर्म रे थिले
ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଯିଏକି ସମାନ ଭାବରେ ଏ ପାପ କର୍ମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଥିଲେ। ଯଦି ସେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟିଏ ଡାଏରୀରେ ସେ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ, ବୋଧହୁଏ ତାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ସହଜ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଯଦି ଏ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଶେଷ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ମମିତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଗଲା, ତାହା ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସହ ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ିବା। ସବୁବେଳେ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପର ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଥାଏ। ମମିତା ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପାର୍ଟି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମତେଇ କରି ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ ବିରୋଧରେ କିଛି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ ବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଗୋବିନ୍ଦ ବିରୋଧରେ FIR ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଏସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମମିତା ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମିତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ସାଥୀ ଯିଏକି ମମିତା ଏସବୁ ଘଟଣା ଜାଣିସାରିଥିଲେ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ, ସେ କେହି ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମମିତା ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସହିତ ଲଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଏକୁଟିଆ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତେବେ ଏସବୁ ଥିଲା ଆମ ହିସାବରେ ମମିତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲ ଯାହା ମମିତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ଯଦି ଏଥିରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବି ମମିତା ମେହର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ବୋଧହୁଏ ଆଜି ମମିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ମେହର ନିଜ କଳା କାରନାମା ପାଇଁ ଜେଲ୍ କିମ୍ବା ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲୁଥାନ୍ତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।